अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नूर हसन व्लॉग्स। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, जिधर भी होंगे खुश होंगे। आज मैं आपके साथ 14 अगस्त के हवाले से बच्चियों के लिए घर में क्लिप तैयार करने का तरीका बताने लगी हूँ, जो कि मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अपनी बेटी की 14 अगस्त के हवाले से जितनी भी तैयारी करूँगी ना, मैं आपके साथ वो शेयर भी ज़रूर करूँगी। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्लिप बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ये देखें, मैंने इसके लिए कतान सिलक का जो स्टफ़ था ना, मैंने वो यूज़ किया। मेरे पास घर में पड़ा था, वाइट भी पड़ा था और मेरे पास ग्रीन, मैं लेके आई हूँ। ठीक है, क्लिप बनाने के लिए देखें व्यूवर्स, हमने एक पट्टी ली जिसकी चौड़ाई ये देखें मैंने 4 इंच ली और जिसकी लंबाई है 20 इंच। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह डबल फोल्ड करूँगी। इस डबल फोल्ड करने के बाद इसके जो कॉर्नर हैं उनको इस तरह कटिंग कर दूंगी। आपने यहाँ से थोड़ी सी जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है, फिर आपने इस तरह इसकी थोड़ी थोड़ी जो है वो कम करते जाना। ठीक है, ये इस पट्टी का सेंटर है, यहाँ पे आपने निशान लगा लेना। अब आपने क्या करना है, सिलाई मशीन की मदद से यहाँ से सिलाई आपने स्टार्ट करनी है, इधर आपने सिलाई आके यहाँ पे आपने रोक देनी है। ठीक है, फिर आपने इस साइड पे इधर से सिलाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, फिर आपने इधर सिलाई लगा के इधर रोक देनी है। इधर से इतनी जगह से हम इसको फिर उल्टा के सीधा कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने यहाँ तक सिलाई लगा ली। ठीक है, यहाँ से मैंने छोड़ दी जगह, इधर से हमने थोड़े से कोने जो है वो गलाई में कर देने हैं दोनों तरफ से। ठीक है, और यहाँ से हमने पकड़ के इसको, ये मेरे पास पिन है ये वाली, इस पिन की मदद से मैं इसको सीधा कर दूँगी। ये देखें, हम इस तरह इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये सीधा करने के बाद मैं इस पिन की मदद से ये इसकी नोक है ना, उसको अच्छी तरह ज़रा कर लेना आपने, ये वाली नोक उसको सीधा कर ले। ये देखें, इसको सीधा करने के बाद हमने इसको आयरन पहले इस तरह आपने करना है, ये देखें अच्छी तरह जो सिलाई है ना उसको आपने ये करना। इसको करने के बाद फिर आपने यहाँ से पकड़ के इसको सिलाई को ऐसे, फिर आपने ये सिलाई पे करके अच्छी तरह इसको आयरन करनी है। ठीक है, ताकि सिलाई जो है वो सिलाई पे अच्छी तरह सेट हो जाए। ये देखिए, इस तरह किया, फिर हमने इसको डबल करके इसके सेंटर की निशानदेही कर ली। ये हमारी स्टेप तैयार हो गई है। ठीक है, अब हम बो तैयार करते हैं। अच्छा, ये पीस मैंने लिया बो तैयार करने के लिए। इसकी मैं आपको, ये देखिए जी, इसकी जो लेंथ है वो 6 है। ठीक है, वो तैयार करने के लिए, और जो विड्थ है उसकी 5 है। इसको तैयार करने का, ये देखें, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये मैंने निशान लगा लिया, इधर भी थोड़ा सा मैंने ये निशान इधर भी थोड़ा सा लगा लिया। अब आपने यूँ करना है कि ये जो चीज़ है ना खुली हुई साइड, इस साइड पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करनी है। जब आपने सिलाई लगानी है तो यहाँ से देखें, जब आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है ना, यहाँ पे डबल कर दें। ठीक है, फिर जब हम इसको सीधा करेंगे ताकि यहाँ से ये खुले नहीं। देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली है, इसको आपने पकड़ के, ठीक है, मैंने निशान सेंटर का लगा लिया था इस सेंटर पे, और इधर भी मैंने निशान लगाया था सेंटर पे। इसको रखते हुए ये हमने इसको दोबारा आयरन कर लिया। ठीक है, अब इस साइड पे सिलाई लग जाएगी और इस साइड पे सिलाई लग जाएगी, फिर मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने इधर भी सिलाई लगा ली और इधर भी सिलाई लगा ली। अब इसके कोनों को अब थोड़ा सा गलाई में कर दें। ठीक है, इसके बाद ये जगह जो हमने इधर से छोड़ी थी ना, उसको आपने टर्न करके सीधा करना है इधर से ऐसे। हाँ, देखें, ये इस तरह हमारा सीधा हो जाएगा। ठीक है, सीधा करने के बाद आप पिन की मदद से ना
इसके ज़रा कोने जो हैं वो चारों तरफ से सेट कर दें। ये देखिए इसको फिर हम आयरन करेंगे। चलिए इस तरह फिर हमने क्या करना है कि ये ना डबल किया, ये सेंटर की मैंने निशानदेही कर दी, ठीक है। फिर वो बनाने के लिए हमने करना है एक दफ़ा ऐसे, फिर इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह करने के बाद फिर हमने इसको आयरन की मदद से ऊपर, देखिएगा इस तरह से जब आप वो बनाएंगे ना कितनी ज़बरदस्त वो तैयार होगी। अभी आप फाइनल जब देखेंगे ना, ये देखिए इस तरह हो गई। फिर ये सेंटर था, यहाँ से हमने पकड़ा इसको, यहाँ से ये देखिए इसकी वो तैयार हो गई। अब हम सुई की मदद से इसको मैं करती हूँ अटैच। इस तरह करने के बाद फिर हमने इसको आयरन की मदद से ऊपर, देखिएगा इस तरह से जब आप वो बनाएंगे ना कितनी ज़बरदस्त वो तैयार होगी। अभी आप फाइनल जब देखेंगे ना, ये देखिए इस तरह हो गई। फिर ये सेंटर था, यहाँ से हमने पकड़ा इसको, यहाँ से ये देखिए इसकी वो तैयार हो गई। अब हम सुई की मदद से इसको मैं करती हूँ अटैच। अब हमने सुई की मदद से यहाँ पे दो टांके लगा लिए, ठीक है। अब मैं इसके साथ स्टेप इसका जोड़ती हूँ, ठीक है। ये लिया था इसका हमने, ये सेंटर का निशान लगाया हुआ था ना, फिर हमने ये यहाँ से पकड़ा इसको ऐसे, फिर ऐसे ऐसे किया, ठीक है। फिर ये सुई की मदद से इस तरह किया और फिर ये बो के साथ मैं अटैच करूँगी इसको। ये देखिए हमने इतनी चौड़ी पट्टी ली, इसको हमने इधर से भी फोल्ड कर दिया, ठीक है। इधर से फोल्ड किया और फिर डबल फोल्ड करके प्रेस कर ली, ठीक है। ये प्रेस करने के बाद इस पट्टी को हमने इधर अटैच करना है। वो कैसे करना है ये देखिए, इस तरह, फिर इस तरह घूम के इस तरह। फिर आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी बो की सिलाई लगी हुई है ना वो हमारी बैक साइड है, ठीक है। इस बैक साइड पे आके इसका आपने एंड कर देना है, ठीक है। ये बैक होगी सिलाई वाली और जो दूसरी है वो इसकी सीधी साइड होगी। ये देखें इस तरह वो तैयार होने के बाद मेरे पास घर में ये एक फ्लावर पड़ा हुआ था, ये किसी पिन का था, ठीक है। मेरी बेटी के पिन के ऊपर ग्रीन कलर का था, वहाँ से मैंने लेके इस फ्लावर को इसके ऊपर सुई की मदद से अटैच कर दूँगी। हाँ देखें, ये इसके ऊपर ये वाला बटन लगा हुआ था, ठीक है, इस तरह का। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने ये उतार के, ठीक है, ये देखें यहाँ पे पर्ल मोती जो हैं वो लगा दिए। ये देखें इस तरह पर्ल मोती मैंने इसके साथ लगा दिए। ये देखें अब ये कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए इसके लिए हमने ये आम सी पिन ली, मेरे पास इस वक्त घर में अवेलेबल थी अल्फी। आप अल्फी के साथ या UHU जो होती है ना उसके साथ आप इस तरह पिन पर लगा लें, ठीक है। पिन पे अच्छी तरह लगाने के बाद आपने इस पिन को इसकी बैग पे अटैच कर देना है, ठीक है। देखें व्यूअर्स, हमारे हेयर क्लिप कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। ये वाइट वाला, इस पे मैंने ग्रीन का ये फ्लावर लगाया, ठीक है, और ये मोती मैंने खुद से लगाए। और ये मैंने तैयार किया, ये ग्रीन था और इस पे, इसके ऊपर मैंने पर्ल मोती वाइट वाले लगा दिए। देखें व्यूअर्स, इस तरह हमने ये पिन इसके साथ अटैच कर दिए। ये देखें कितना खूबसूरत क्लिप तैयार हुआ है। इसी तरह हमने एक ये क्लिप तैयार किया वाइट वाला, और इसी तरह ये हमने ग्रीन तैयार किया। देखें कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको नूर हसन व्लॉग्स से इस तरह के आइडियाज़ मिलते रहें।